नमस्कार, आज हमारा 100वां एपिसोड है और इस एपिसोड तक पहुंचने में हमारी पूरी टीम का बहुत सहयोग मिला। आप सबका प्यार और सहयोग और आपके व्यूज मिले जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाई। सहयोग हमें अभी तक जो मिला है आगे भी मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल को और लोगों के लिए भी सब्सक्राइब करें। और ये मैंने रेस्ट किया हुआ आटा तैयार रख रखा है, ये तैयार करके रख लिया था। इसको इसमें थोड़ा सा मैंने मोयन डाला है, जरा सा बिल्कुल एक चम्मच। और इसके लिए दाल की मिट्टी जो मैंने तैयार की, उड़द की दाल को ओवरनाइट सोक करके सुबह मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लिया। इसमें मैंने पाँच छः लौंग डाली है पीस करके, सौंफ डाली है दरदरी और धनिया पिसा हुआ और लाल मिर्ची पिसी हुई और जरा सी एक चुटकी ही। अब मैं इनको इसको भी मैंने अब आपको दिखा देती हूँ। इसकी मैंने ये तैयार भर करके कचौरी को तैयार कर रखा है, इसलिए रेस्ट पे रखी हुई थी। अब इसके साथ जो मैं सब्जी बनाऊंगी आलू की है और उसको फुटवा आलू कहते हैं। इसके लिए गैस गैस पे कढ़ाई गर्म करके इससे मैंने ऑयल डाल दिया है। वे आलू है जिनको मैंने फोड़ लिया है, इसको काटना नहीं है। ये टमाटर की प्यूरी बना ली है, उबाल करके छिलका हटा दिया और उसका मिक्सी में इसको पीस दिया। ये जीरा है, ये हींग है, ये धनिया है पिसा हुआ, ये थोड़ी सी सौंफ है और ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये नमक है। इसमें मैं हरी मिर्ची कटी हुई बारीक और बारीक कटा हुआ अदरक भी डालूंगी ये गार्निशिंग के लिए। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें हींग जीरा डाल दूंगी। जीरा तड़क गया है, अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल करके इसको अच्छे से सेक रही हूँ। ये इससे तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ और मसाले डाल के चला। मसाले डाल दिए हैं, अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके थोड़ा सा पानी पहले डालूंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर ही तैरता रहे। ये अब इसमें उबले हुए आलू भी डाल दिए। अब इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा मैं इसकी फ्लेम कम कर दूंगी ताकि इसका जो ऊपर की खूबसूरती है वो कम ना हो। ये आलू तैयार हो गए हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं लास्ट में इसमें हरी मिर्ची और अदरक डालूंगी। यदि आप भी ऐसे डालेंगे तो ये बहुत अच्छी टिप है आपके लिए कि बहुत अच्छा स्वाद आता है और खुशबू आती है। और मैं अब गार्निशिंग के लिए इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। ये अब तैयार है आलू की सब्जी, इस तैयार है। अब इसके बाद मैं बेड़मी बनाऊंगी। थोड़ी सी रेस्ट के लिए रख दी थी, इसमें भर दिया। इसको भरने का तरीका है, इसको ऐसे खोल फैला करके और इसके बीच में थोड़ी सी रावण भर देते हैं और चारों तरफ से इसको बंद कर देते हैं। ये एक बात जरूरी है, इसको बनाने से पहले थोड़ी सी देर रेस्ट पे रखना जरूरी है। ये मैंने रेस्ट पे बना के रख रखी थी, ये मैं अभी आपको बेल के दिखाती हूँ। ये बेल लिए मैंने, इसको देखती हूँ छोटा सा टुकड़ा डाल करके आटे का घी गर्म हो गया, तेल बिल्कुल सही गर्म हो गया है और मैं अब इसमें कचौरी ये डाल रही हूँ, दाल की भरी हुई कचौरी।
ये अच्छी तरह फूल गई है, तैयार है आटा, बढ़िया है। मतलब रेस्ट पे रखा हुआ होना बहुत जरूरी है। की बात है कि आज मेरा बर्थडे भी है और मेरा 100वां एपिसोड है। आज तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारे मुझे बर्थडे विश किया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक्स अ लॉट। और आगे भी आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहेगा। आशा है कि आप मेरे अपने व्यूज मुझे शेयर करेंगे और मेरा इसी तरह से प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।